और इसी बीच भोपाल से ही अगली बड़ी जानकारी जो है, एमपी में आज कांग्रेस को फिर झटका लगेगा। बता दें कि कई कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आपको बताते चले कि लगातार दल बदल का दौर देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। आज कांग्रेस को एक बार फिर झटका लग सकता है। कई कांग्रेस नेता बीजेपी का दामन थामते नजर आएंगे। सुधीर सिंह तोमर बीजेपी में शामिल होंगे, साथ ही साथ सतना नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सुधीर सिंह बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। बताते चले कि 2009 में कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह भी बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस से विधायक रहे हैं यादवेंद्र सिंह, विंध्य के बड़े नेता हैं यादवेंद्र सिंह। बता दें कि सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सदस्यता इन्हें दिलाएंगे। तो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर देखने को मिल रहा है। अमृतांशी लगातार बनी हुई है हमारे साथ ज्यादा अपडेट्स के साथ। कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगने वाला है। अमृतांशी, बीजेपी कार्यालय में सुबह सुबह एक लिस्ट तैयार होती है और इस लिस्ट में तमाम उन नेताओं के नाम शामिल रहते हैं जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये रोज का अब एक प्रक्रिया बन गई है कि तमाम जो कई कांग्रेस के ऐसे नेता हैं वो बीजेपी में आकर शामिल हो रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस को आज दोबारा झटका लगने जा रहा है। कांग्रेस से ही पूर्व विधायक रहे यादवेंद्र सिंह, जो कि नागौर से आते हैं, विंध्य क्षेत्र के एक जाने माने नेता भी हैं, वो आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने 2023 में बागी होकर बसपा से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं लोकसभा चुनावों के ठीक पहले। इसके बाद सुधीर तोमर का नाम आता है, जो कि सतना की पूर्व निगम अध्यक्ष रह चुके हैं। वो भी कांग्रेस से निगम अध्यक्ष रहे हैं जब सतना में जो है चुनाव हुए थे, उसके बाद वो उन्होंने जो है पदभार संभाल था, लेकिन आज वो भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 2009 से कांग्रेस की टिकट पर सुधीर तोमर चुनाव भी लड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पुरानी प्रत्याशी रहे हैं, जो पुराने चेहरे रहे हैं, जो कि कांग्रेस से या तो नाराज हैं या फिर किसी चीज को लेकर उनकी संगठन में बन नहीं रही है, वो सभी आकर अब जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो माइक्रो मैनेजमेंट की बात करती है, माइक्रो लेवल पर, बूथ लेवल पर छोटे से बड़े नेताओं को बीजेपी शामिल करवाने का जो सिलसिला कर रही है, कांग्रेस के संगठन को कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और शायद यही वजह है कि एक तरीके से बीजेपी पूरी तरह जो भी नाराज नेता है, जो भी ऐसे नेता है जो कि फिलहाल कांग्रेस के लिए भले ही बड़े नेता ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर बन जाता है कार्यकर्ताओं का मनोबल जो ठंडा करने की कोशिश है। अमृतांशी, यहाँ पर कांग्रेस में एक कमजोरी लाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये बनता है कि कांग्रेस इस कमजोरी को मिटाने के लिए आखिर कर क्या रही है। कांग्रेस में देखिए अभी थोड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस के सबसे पहले तो अभी प्रत्याशी ही तय नहीं हुए हैं। तो कांग्रेस का पहला अभी टास्क ये हो गया है कि सबसे पहले प्रत्याशियों को ढूंढे और फिर उनको तय किया जाए, जिससे कि कम से कम वो मैदान में उतर सके। दूसरा, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी प्रत्याशी मंथन में लगे हुए हैं, कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे में संगठन से जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, बहुत ही कम लोगों से कॉन्टेक्ट रखा जा रहा है। कार्यकर्ता जो लगातार छोड़ के जा रहे हैं, उनके ऊपर भी फिलहाल अभी किसी नेता का कोई खास ध्यान नहीं है। अब सोचिए, बकायदा बीजेपी में एक प्रकोष्ठ है न्यू ज्वाइनिंग टोली, उसके जो है मुख्य सदस्य नरोत्तम मिश्रा है, वो लगातार लोगों को साध रहे हैं, नेताओं को साध रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस में फिलहाल ऐसे लोगों को रोकने के लिए किसी भी नेता को अभी तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस की परेशानी बन सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस को रोजाना के स्तर पर झटके लग रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब कांग्रेस इससे कैसे उभरेगी, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। बहरहाल बने रहिएगा अमृतांशी आगे।